एमपी के किसानों को बड़ी राहत, फसल बीमा की प्रक्रिया में बदलाव, अब ऐसे मिलेगा राशि का लाभ। नमस्कार, मैं हूँ शारदा काला, आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज। आपसे अनुरोध है कि आप एमपी 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखिए किसान संबंधित विशेष खबर। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब मध्य प्रदेश के किसानों का खसरों से पंजीयन का मिलान किया जाएगा, ताकि कोई गड़बड़ी या परेशानी ना हो और किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों की बीमा राशि समय पर मिल सके। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी के लिए किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टर वार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। किसानों द्वारा बोई गई फसल में परिवर्तन पर संबंधित बैंकों को 29 जुलाई तक अवगत कराना जरूरी है। किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इसके लिए राजस्व विभाग के पास उपलब्ध डेटा का उपयोग कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि किसी किसान ने एक खसरे पर दो बैंकों से बीमा तो नहीं कराया है। यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही है ताकि किसानों को बीमा राशि मिलने और एक खसरे पर दो बैंकों से बीमा करने की समस्या ना हो। चूंकि नियम के मुताबिक एक भूमि पर एक ही बैंक से बीमा कराया जा सकता है। किसानों को बीमा होने की सूचना SMS के माध्यम से पंजीयन की अंतिम तिथि के 15 दिन के अंदर ही दी जाएगी और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति और जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से भी किसानों को सूचित किया जा रहा है। बता दें कि इस साल MP सरकार ने 49 लाख किसानों को इसमें खरीफ 2020 और रबी 2021 के लिए 2 साल का फसल बीमा 7,165 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 के लिए प्रदेश में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर भू अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमिधारिता संबंधित जानकारी भू अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्रॉप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी। बीमाकर्ता संगत खसरा नंबर का चयन कर धारित भूमि का बीमा कर सकेगा। किसानों को समय पर सही पॉलिसी जारी करने के लिए नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर जानकारी दर्ज होना जरूरी है। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों के बीमा पंजीयन के दौरान खसरा नंबर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही सही जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें। देखते रहिए हमारे साथ MP 7 न्यूज़।